इस हफ्ते क्या बुलडोजर बाबा वापस आ रहे हैं? एग्जिट पोल तो यही दिखा रहे हैं कि बुलडोजर बाबा जबरदस्त तरीके से वापस आ रहे हैं यूपी में, पर सनातनियों के लिए फिर से एक चुनौती आ पड़ी है और मुझे लगता है सनातनियों को चुनौती स्वीकारनी भी चाहिए और इसे सफल भी बनाना चाहिए। जय श्री राम, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी जो में। मैं नंदनी, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना। कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत पे तुझसे हारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी मित्रों से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इस हफ्ते बुलडोजर बाबा के आने की संभावना है, यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के हिसाब से पूरे पूरी तरह से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जो कि सनातनियों के लिए बहुत खुशखबरी है और सनातनियों की ये एकजुटता और एकता का प्रमाण है। और फिर से सनातनियों के लिए एक और चुनौती आ पड़ी है, हमें उसे भी साबित करना है कि जो सनातन के लिए खड़ा होगा हम उसे कभी नहीं झुकने देंगे, हम उसे कभी हारने नहीं देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनि की धरती, अगर यहाँ सनातन हार गया तो फिर ये सनातनियों के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक वाली बात है। क्योंकि कल विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीर फाइल के निर्देशक है, उन्होंने ये कहा है कि कपिल शर्मा ने उनके शो में, अपने शो में उनकी फिल्म का प्रमोशन करने से मना कर दिया। ये कहा कि पहले तो कपिल शर्मा ने अपनी औकात और अपनी हैसियत बताई है, इससे साबित होता है कि तुम्हारी हैसियत चाहे कुछ भी हो, औकात तुम्हारी वही रहेगी, चेहरे पे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो जाए। ऐसे ही लोग होते जिन्हें हम कहते हैं कि ये सनातन के दुश्मन है। विवेक अग्निहोत्री जी का कहना है कि कपिल शर्मा ने इसलिए मना किया कि हमारे शो में कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है। बात वो नहीं है जो विवेक अग्निहोत्री जी बता रहे हैं, बात ये नहीं है, बात कुछ और है, बात है नमक हराने का। क्योंकि कपिल शर्मा के शो के जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, वह है सलमान खान। अब उनके साथ नमक हरामी कैसे करेगा कपिल शर्मा, चाहे वो सनातनियों के साथ उसे करना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके ये सनातनी ही है, ये सनातनी है जिसने सिद्धू को उस शो से बाहर किया था। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कपिल शर्मा जैसे लोगों को बताने की कि सनातनियों की ताकत क्या है, फिर से अपनी एकजुटता और एकता का प्रमाण दो, इस शो को बंद हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहा, उसके शो में हमने देखा है कैसे कैसे लुच्चू मुच्चू टाइप के स्टार आए हैं, लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी के जो फिल्म आ रही है कश्मीर फाइल, उसमें अनुपम खेर जैसे मजे हुए और वरिष्ठ इतने बुजुर्ग अभिनेता हैं वो कहीं से भी छोटे नहीं हैं। उनके बड़े, उनके स्टार बड़े और छोटे होने का प्रमाण हमें कहीं से देना नहीं पड़े। उन्होंने बचने की कोशिश की है विवेक अग्निहोत्री जी ने, शायद कोई विवाद ना हो जाए, लेकिन लोग, हमें क्या डर, लोगों का क्या डर, लोग सब स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि सलमान खान उस शो का निर्माता है, तो कपिल शर्मा नमक हरामी कैसे करेगा, चाहे वो सनातन के साथ कर ले कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे शो का बहिष्कार होना बहुत जरूरी है, अपनी ताकत का प्रमाण देने का वक्त आ गया, फिर से एकता का प्रमाण देने का वक्त आ गया। कपिल शर्मा का शो बंद होना ही चाहिए, और साथ ही मैं फिर विनती करना चाहूँगी सारे सनातनियों से कम इस फिल्म को हॉल तक देखने जरूर जाइएगा, ताकत बढ़ेगी सनातनियों की। और ये एक फिल्म ने एक चाटा है, ये जो 370 का विरोध करें, जो जिन्हें कश्मीर में पंडितों को घर से बेहद कर करते हैं, उनकी चीखें जिन्हें नहीं सुनाई दी, उनका दर्द जिन्हें महसूस नहीं हुआ, उन उस दर्द को, उस स्थिति को पर्दे पे उतारने की हिम्मत और साहस किया है विवेक अग्निहोत्री जी ने, हमें उनके उस साहस और इस हिम्मत का साथ देना है, और ताकि वो अगली बार इसी तरह का कोई विषय लेके आए। उन्होंने बिना किसी छेड़छाड़ के उस फिल्म को जो कहते हो पर्दे पर लाने का काम किया है, और जाहिर सी बात है उसमें कई तरह के विवाद हो रहे हैं कि फिल्म पर पाबंदी लग जाएगी, ये लग जाएगी, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस फिल्म पर ना तो पाबंदी लगनी चाहिए और ना वो फिल्म रुकनी चाहिए, ना वो फिल्म औसत होनी चाहिए, उस फिल्म को तो हम लोगों के साथ की जरूरत है, इसे ब्लॉकबस्टर बनाना है, क्योंकि ये फिल्म सनातनियों की ताकत दर्शाता है, ये कपिल शर्मा जैसे लोगों को उनके औकात दिखाने का वक्त है। और जो इसी सनातनी धरती पे एक के साथ नमक हरामी करने के लिए
डरता है और दूसरी तरफ सनातनियों के साथ क्या कर रहा है, ये सबके सामने आ गया है। जो बिंब को अग्निहोत्री जी ने कहा वो नहीं है, बात ये है कि वो सलमान खान की वजह से इस शो में जो है कश्मीर फाइल फिल्म का प्रमोशन नहीं करना है, लेकिन अब हमें भी दिखाना होगा कि सनातनी क्या है। इनके जैसे लोगों को औकात बताना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो सनातन को कुचलने के लिए इनके जैसे फिर कई लोग आएंगे। सलमान खान, कपिल शर्मा जैसे लोगों को क्या पता कश्मीर में इतने लोगों को बेघर कर दिया था, उनकी चीख है इनके कानों तक नहीं गई। इसको सिर्फ नमक हलाली करना आता है, किसी उसके साथ नमक हरामी नहीं करना है। जो कि जिनकी जो कि खास बिरादरी वहाँ पे पंडितों के साथ इतनी बर्बरता करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे राम, यह हफ्ता जीत का होना चाहिए सनातनियों का। पहला बुलडोजर बाबा तो आ ही रहे हैं, एग्जिट पोल में हमें दिखाई दिया, दूसरी तरफ हमने ताकत दिखानी है अपनी, कश्मीर फाइल को हमें सफल बनाना है अपने थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा पैसा खर्च करके। मुझे उम्मीद है सनातनी अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे, अपनी एकता का प्रमाण जरूर दिखाएंगे। हाल ही के दिनों में हमें कई दफे ऐसा देखने को मिला है। और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि सनातन को अब एक होने का वक्त आ गया है, इसलिए नहीं कि किसी और को दबाने के लिए, इसलिए कि कोई और हमें ना दबाए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए, घंटी आइकन पर प्रेस कर दीजिए। जय श्री राम।